लखनऊ से डॉक्टर शोभा जी, स्वागत है आपका। जी बताइए मैम। हाँ, तो डॉक्टर से बात करें। मैं ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनको लास्ट ईयर जुलाई में राइट साइड में स्ट्रोक पड़ा था, और उसके बाद जो है काफी कुछ तो आराम मिला है, लेकिन राइट साइड के पैर में नीचे भी अभी थोड़ी ऐठन है। पैर अभी बहुत ज्यादा अच्छी तरह जैसे चलना चाहे नहीं चल पा रहे हैं, और तो वही सोच रहे थे। और आर्थराइटिस भी है साथ में थोड़ी, और उसके अलावा प्रोस्टेट और हार्निया जो है ये बहुत पहले से है, उसका तो हम लोग होम्योपैथी की इलाज कर रहे हैं। अच्छा, अपने पति की एज बता दें। मेरे पति की एज है 74। ठीक है। अच्छा देखिए, एक दवा है, एक लिक्विड है, जो जितने भी मर्ज आपने अपने पति के बारे में बताया, प्रोस्टेट, हर्निया, ब्लड प्रेशर और चर्बी जो हमारे दिमाग में कहीं फंस जाती है, खून में शामिल होकर, उससे हमें फालिज, लकवा, पैरालिसिस जिसे कहते हैं, होता है। तो ये उम्र और ये मर्ज, इसके लिए एक ही दवा मैं आपको बताऊंगा, प्रोस्टेट में भी बहुत आराम करेगी, और जिसको भी ये अटैक आता है उसको बार बार होता है, इस लिक्विड में ये सलाहियत है कि दोबारा नहीं होने देती, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। तो जैतून का सिरका 3-4 चम्मच रात को पानी में मिलाकर उन्हें पिला दिया करें। काफ़ी बीमारियां उनकी अच्छी होना मुमकिन है, और दोबारा से ये सब नहीं होना चाहिए जो कुछ उनके साथ हुआ। भगवान की उन पर बहुत कृपा है, और आप जैसी पत्नी उन्हें मिली हैं जो इस उम्र में भी इतना ख्याल रखती हैं, वरना इस उम्र में पति को ज़रा फासले से रखते हैं। तो आप इन्हें ये देना शुरू करिए, मुझे उम्मीद है उनको फ़ायदा मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ, क्या मेरा नाम है, सोनीपत कहाँ से बात कर रहे हैं से, तिलक जी? राम। सवाल चलिए आप अपना सवाल बताइए मुझे। है जी, मेरे पैरों में, गोड़े में बहुत ज्यादा दिक्कत है, और एक हैरनिया है मेरे, 1 साल भर हो गया। हाँ हेलो, देखिए, हाँ मैं समझ गया आपका मर्ज। उम्र बता दीजिए अगर आप लाइन पर हैं, एज कितनी है और कब से तकलीफ है। नहीं जी, एक ठीक है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी उम्र का। एक तो मेहनत करना कम कर दीजिए कुछ दिन के लिए, और अगर आपको मिल जाए गोंद स्याह, ये काला गोंद के नाम से आपको मिलता है, नकली भी मिल जाता है, असली लें, कड़वा बहुत होता है, आधा आधा ग्राम खाना शुरू करें सुबह शाम। आप देखेंगे कि अगर आपको 100 ग्राम भी मिल गया, असली वाला लेना ज़रूरी है, नकली बहुत मिलता है, जायके में कड़वा होता है बहुत। आधा आधा ग्राम खाना शुरू करें, और ये 100 ग्राम भी मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त करने की सलाहियत रखता है। यूपी से अगले कॉलर हैं, मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मीनाक्षी जी, आवाज़ मिल पा रही है? बोलिए, सवाल करिए, तेज़ आवाज़ में बात कीजिए। जी, मैं जो है 2 साल से पैरालिसिस है, 2 साल से, 2 साल से अब बाई साइड में। देखिए, पैरालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है मरीज़ में हौसला होना। आपने फ़ोन किया है तो यकीनन आपके अंदर हौसला है, और फिजियोथेरेपी आधा इलाज है। फिजियोथेरेपी मतलब अगर ये वाला हाथ नहीं चलता तो इसे चलाइए, अपने हाथ से चलाइए, किसी और से चलवाइए, टांग नहीं चलती तो इसको चलाइए। एक्सरसाइज आधा इलाज है, हौसला और एक्सरसाइज आधा इलाज है, और आधा इलाज इस तरह होता है कि हमें दिमाग की जो नर्व में
चर्बी आलूद खून जम गया है उसे पिघलाना शर्त है। उसे पिघलाने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो उस चर्बी को ढूंढकर निकाल कर बाहर करे। उसके लिए जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिलाकर, गर्म पानी में मिलाकर रोज़ पिया करें और लगातार पिए। ये एक तो इससे ये फ़ायदा होगा कि दोबारा से ये मर्ज नहीं होगा, नहीं तो दोबारा से भी अटैक आता है, तीसरी बार भी आता है, जिसको भी आता है 3 बार आता है और 3 बार में ही लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। चाहे दिल के रोगी हों या दिमाग के फालिज के रोगी हों, जैतून का सिरका ज़रूर लिया जाए ताकि दोबारा से अटैक ना आए और जो भी चर्बी जहाँ भी जमी हुई है उसको ये खोज कर निकालता है और मरीज को फायदा पहुँचाता है। ठीक है, अगली कॉलर है मंजू जी, स्वागत है आपका, बोलिए मंजू जी, सवाल करिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती थी, मैं जो भी खाना खाती हूँ गले में जलन होती है, खाना जाता और घुटनों में और पैरों में पूरा दर्द हो रहा है बहुत, खाना हजम नहीं। एज क्या है आपकी? एज है 50। ठीक है। अच्छा देखिए, जब आप खाना खाएं ना तो आपके मेरे तरीके से खाना खाएं। मेथी लेकर खूब बारीक पाउडर बना के रख लीजिए और या तो ये मेथी पाउडर आधा चम्मच आप अपने खाने में मिला लें, ऐसे जैसे वो डालते हैं ना मसाला सा डालते हैं, ये काली मिर्च नमक ऐसे छिड़कते हैं, ऐसे आधा चम्मच अपने खाने पे छिड़क लें और फिर ये खाना खाया करें। काफ़ी दिन तक खाना पड़ेगा लेकिन फ़ायदा आपको उसी दिन से शुरू हो जाना चाहिए। मेथी का पाउडर, मेथी के दाने का पाउडर, मेथी का पत्ता नहीं मेथी का दाना, और जोड़ों के दर्द के लिए कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाएँ और मेहनत का काम बंद कर दें कुछ दिन के लिए तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। कॉलर है गीता जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम, प्रश्न करिए अपना। मेरे को हकीम साहब से ये पूछना है कि मेरे घुटनों में सूजन बहुत है, मेरे को गठिया बात है, मतलब 2014 से मैं परेशान हूँ। एज क्या है मैम आपकी? मेरी 52 है। ठीक है। हाँ देखिए, इस रोग का यूनानी में इलाज है लेकिन मरीज़ को संयम रखने वाला होना चाहिए। देखिए 2014 से आप तकलीफ़ में हैं तो इस हिसाब से 6 साल हो गए। मुझे आपके 6 साल नहीं 6 महीने चाहिए। यूनानी कमोबेश इसमें ही रोग मुक्त हो जाते हैं यूनानी से। आप समझ लीजिए कि आपको या तो गौंसिया मिल जाए, असली मिलना चैलेंज है। असली गौंसिया अगर मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी से बगैर चर्बी के दूध से आप ले सकते हैं, और अगर ये ना मिले तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाना शुरू करें। और किसी किसी को इत्तेफाक से जल्दी भी फ़ायदा हो जाए 1-2 महीने में तो आपको, क्योंकि गठिया भाई है, 5-6 महीने ज़रूरी है आपको इलाज। दिल्ली से अगले कॉलर हैं आशा पांडे जी, स्वागत है आपका। हेलो आशा जी। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। भाई साहब से बात कराइए। जी आदाब आशा जी, बताइए। हाँ, आशा जी। हाँ। हाँ सर नमस्कार जी, आदाब। हमारे पीठ में पैर में घुटनों में बहुत दर्द रहती है। आशा जी उम्र कितनी है और कब से है तकलीफ? उम्र तो 64 साल है सर। और तकलीफ? 5-6 साल हो गया। ठीक है, आप कुछ दिन तक बहुत मेहनत का काम छोड़ दें। आप जिस उम्र में है, यहाँ के लोग इस उम्र के लोग बहुत मेहनती होते हैं और कोई भी काम खुद करने लगते हैं चाहे वो बहुत मेहनत का हो, तो मेहनत का काम आपको नहीं करना है। खास तौर पर झाड़ू पोछा और ज़मीन में बैठ के कपड़े धोने का ये काम नहीं करें, खड़े खड़े किचन में सब कर सकते हैं। आप 5 महीने तक यूनानी इलाज से जुड़ें। यूनानी इलाज में एक तो गौंद में बताता हूँ, गौंद स्याह जिसे कहते हैं,
ये काला गौन असली मिल जाए बस 100-200 ग्राम आपको, आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। ये नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, लेकिन इसे गौंसिया या काला गौन कहते हैं। अगर मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाना शुरू करें, नाश्ते और खाने के बाद बगैर चर्बी के दूध से पानी से ले सकते हैं। अगर ये नहीं मिले, लेना है तो असली लेना है, ये नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम एक एक कैप्सूल लें, और जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 4-5 महीने खाना है आपको दवा, आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं पवन पांडे जी, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, साहब से बात करना चाहते हैं। जी जी मंगल पांडे जी, आदाब, बताइए क्या सवाल है। अरे अब हमें उनसे बात करनी है थोड़ा। अरे हम ही बात कर रहा हूँ मंगल पांडे जी, बताइए क्या सवाल है, मेरी आवाज ही पहचानते हो क्या? हाँ सर, हमें, हेलो जी, हम सुन रहा हूँ। हाँ, हमें दौरा पड़ रहा है सर। दौरा पड़ रहा है? हाँ। दिल का या दिमाग का? मैम आपने ना टीवी का वॉल्यूम इतनी तेज कर रखा है कि आप सुन ही नहीं पा रही। आपको दौरा जो पड़ता है वो दिल का पड़ता है या फिर दिमाग का? दिमाग का जी। ठीक है, देखिए हम जब गांव की पगडंडियों पर चलते हैं या शहर से गांव जाते हैं तो रास्ते में कई जगह एक ऐसा जगह आती है जहाँ पर एक पेड़ पर एक लंबी लंबी सिवैयाँ सी लटकी हुई रहती हैं, पीली पीली, इसे कहते हैं आकाश बेल। आकाश बेल, ये इसमें ना पत्ता होता है ना जड़ होती है ना ये कहीं बोई हुई होती है, किसी भी पेड़ पे कोई ऐसा डाल देता है तो ये वहीं से उपजने लगती है और किसी का से संबंध नहीं करती है, और ये लंबी होती रहती है, एक जगह जाकर अब पूरे पेड़ को घेर लेती है। ये आकाश बेल आप ले लें और अपने आसपास किसी पेड़ पर डाल दें तो ये पेड़ पर डाल देंगे तो काफ़ी है। इसमें से 2 इंच की आकाश बेल रोज़ाना तोड़ें और सुबह और शाम इसको इस्तेमाल किया करें गर्म पानी के साथ, और वो भी दवा लें जो आप डॉक्टर आपको देता है तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर अम्बाला से सुलोचना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं हकीम साहब से बात करनी है। जी सुलोचना जी, आदाब। हाँ जी सर, मेरे को 1.5 साल से कैंसर है सर। कहाँ पर है? ये लंग्स में है सर, और हर्निया भी है मेरे को, और क्या नाम, वो कीमो भी लग चुका है मेरे को, 18 बार लग चुका है सर्कल उसका, जो 6 का होता है ना। हाँ देखिए, बहुत आपको भगवान की कृपा है जो आप अभी तक सलामत हैं। मेरी दुआ है कि आप खूब लंबी ज़िंदगी जिए। माजून आर केयर सुबह शाम गर्म पानी से लिया करें माजून आर केयर, और 5 बार गर्म पानी या उससे ज़्यादा बार पिया करें। 1 घंटा धूप में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जितनी इम्यूनिटी होगी इतना ही आप सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये इम्यूनिटी की दवा है माजून आर केयर, सुबह शाम 1-1 चम्मच जब तक जीवन है जब तक लिया करें, आपको अच्छा लगेगा। यूपी से नेक्स्ट कॉलर ममता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार, आपका सवाल क्या है? जी हमारे बच्चे की 17 साल एज है उम्र, तो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही मैम। हाइट कितनी है अभी? छोटा है ना वहाँ उनके उम्र के हिसाब से। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा देखिए, अभी गुंजाइश तो है, जब भी फोन करें अगर हाइट का बारे में तो आपकी तरह फिक्र सबको होनी चाहिए, हाइट की गुंजाइश नज़र आनी चाहिए। अभी गुंजाइश है और अभी शुरू कर सकते हैं 1 नारियल पानी रोज़ाना। इसमें गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला ही लेना है, गौन मोरिंगा सफ़ेद 0.5 ग्राम मिला के 1 नारियल पानी में रोज़ाना बच्चे को पिलाया करें, आपको अच्छा लगेगा कि जब उसकी हाइट खुल जाएगी तो आप बहुत खुश हो जाएंगे।